नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया न्यूज़। जैसे कि हमने कहा था कि आज हम 4 बजे लाइव आएंगे और अपने गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी साहब से रूबरू होंगे। मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी का इंट्रोडक्शन दूं अगर मैं, तो डॉक्टर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी यूनानी मेडिसिन के MD हैं। 40 साल का उन्हें अनुभव है। बेस्ट फिजिशियन भी हैं यूनानी मेडिसिन के और बेस्ट टीचर भी रहे हैं। राष्ट्र में सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी सर राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। डॉक्टर अख्तर सिद्दीकी HOD और डीन भी रहे हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। अख्तर सिद्दीकी सर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डिजिटल मीडिया न्यूज़ में। शुक्रिया शुक्रिया भैया। भैया। सर बहुत सारे सवाल आए हैं लोगों के यार यूनानी मेडिसिन को लेकर के, जो हम आपसे सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि आजकल पूरी दुनिया में बीमारियां चल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो उससे बचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाएं, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। तो तिब्बे यूनानी में जो चीजें इंसान खाता है, पीता है, हवा है, ये सब चीजें बदन की नशोनुमा और जिंदगी को कायम रखने के लिए जरूरी है। उसकी मजबूरी है कि जो आदमी जिंदा रहना चाहता है, सेहतमंद रहे, तो वो चीजें खाइए पिए। लेकिन अगर इनकी कैफियत के एतबार से ये सही ना हो, या मिकदार के एतबार से कम या ज्यादा ले, तो ये चीजें हमें बदन के अंदर पहुंचने के बाद में नुकसान का जरिया बनती हैं। उसमें तिब्बे यूनानी में 6 चीजों पर जोर दिया गया है और 6 चीजों की वजाहत की गई है, जो इंसान की सेहत को बाकी रखने और बीमारियों से बचने का जरिया है। उसमें सबसे पहले साफ हवा, कि जो इंसान सांस लेता है वो जिंदगी के लिए यहाँ जरूरी है, लेकिन जो इस हवा के अंदर सांस लिया जा रहा है वो हवा साफ और सुथरी हो, वो वायरस, बैक्टीरिया और मर्जी कैफियत पैदा करने वाली अशिया और उन चीजों से वो पाक साफ हो। अगर यही हवा पाक और साफ रहती है, तो सुबह को इंसान जाके खुली फिजा में वर्जिश करता है, उस वर्जिश से साफ हवा बदन के फेफड़ों के जरिए से खून के अंदर पहुंचती है, और खून के अंदर पहुंचने के बाद पूरे बदन के आजा के अंदर ये पेवस्त होकर वहां के जो खराब अज्जा हैं, यानी जिसको अज्जाए दुखानिया कहते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वहां से वो निकालते हैं और ऑक्सीजन के जरिए पहुंचने के बाद में वह कुव्वत पैदा करते हैं, जिसकी वजह से सारे बदन, चाहे वो दिमाग हो, दिल हो, फेफड़े हो, गुर्दा हो, तिहाल हो, मैदा हो, अमा हो, घुटने हो, सबको वहां ताकत पहुंचती है। लेकिन अगर यही हवा खराब हो जाए, तो इस खराब होने की वजह से इंसान के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाते हैं, जिसमें आज हम ये देख रहे हैं कि अगर जैसे पोल्यूशन होता है, जी पोल्यूशन होता है कि जिन शहरों के अंदर ट्रैफिक ज्यादा होता है, इंडस्ट्री ज्यादा होती है, आबादी कंजेस्टेड होती है, वहां की हवा कैफियत के सब खराब हो जाती है, और वही खराब हवा जब सेहतमंद इंसान सांस के जरिए से अपने अंदर लेता है, तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे दमा की बीमारियां, नजला और जुकाम की बीमारियां, खांसी की बीमारियां, ये बीमारी, गले की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, ये सारी खराब हवा के खराब होने की वजह से पैदा होती है। जैसे आज इस दौर के अंदर ये आपका कोरोना बीमारी चल रही है, आज डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना बीमारी का जो वायरस है, COVID-19, वो इस वक्त फिजा के अंदर पैदा हो गया है। अगर इंसान अपने घर में खिड़कियां बंद करके अपने घर में रहता है, तो उस फासिद हवा से वो बचा रहेगा और उस बीमारी से बचा रहेगा, लेकिन जरिए जी से, और जो उनके गले के अंदर कोरोना वायरस का ग्रोथ हो रहा है, वो बलगम और खांसी और सांस के जरिए से बाहर निकालते रहते हैं, और जब दूसरा सेहतमंद लोग इस हवा को अपने सांस के जरिए से अंदर ले जाते हैं, तो वो भी मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि इंसान जहां रहता है वहां की आबो हवा साफ सुथरी रहे, इसमें गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, और गवर्नमेंट के साथ साथ ये पब्लिक भी जिम्मेदार है कि पब्लिक गली सड़ी चीजों को, बदबूदार चीजों को, गंदगी को खुली फिजा में फेंकती रहती है,
उसकी वजह से वहाँ उसके अंदर विषांत पैदा होती है, सड़ांध पैदा होती है और उसकी वजह से खराब बुखारात फ्यूम्स पैदा होते हैं और वो हवा में शामिल होकर इंसानों के लिए तकलीफ का जरिया बनते हैं। तो पहली हवा यह है इंसानों की भी और गवर्नमेंट की भी कि वो गंदगी को साफ करें और इंसान गंदगी ना फैलाएं ताकि इंसान सेहतमंद रहे, नंबर एक। नंबर दो, हर एक इंसान उसके कहते हैं माकूल और मशरूब के गिजा आदमी खाता है और पानी पीता है। इस गिजा के खाने से और पानी पीने से पहले सबसे पहले इसका हजम जो है गिजा का मैदे के अंदर होता है। मैदे के अंदर जो जब गिजा हजम होती है, चाहे हम वेजिटेरियन खाएं नॉन वेजिटेरियन खाएं जो भी हम खाएं, पहले मैदे के अंदर हजम होती है। हजम होने के बाद उसका एक लिक्विड बनता है, उस लिक्विड को जो है वो जो कीमती होता है उसको आंतों के जरिए से खून के रसों के जरिए से जज्ब कर लिया जाता है और तबीयत उसको बाकी जो फुजला और वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो लैट्रिन और पेशाब के जरिए से बाहर खारिज कर देती है। लेकिन अगर किसी इंसान का पेट खराब हो और उसको कब्ज हो, गिजा सही नहीं ले रहा हो या दवाओं की वजह से किसी इंसान को कब्ज रहता है, तो कब्ज रहने की वजह से जो फासिद और खराब मादे हैं गिजा की वजह से जो पैदा हुए हैं वो अंदर बॉडी के अंदर रहते हैं और उस बॉडी के अंदर रहने की वजह से वो दिल दिमाग जिगर फेफड़े और गुर्दों को खराब करने लगते हैं जिसकी वजह से बीमार होता है। तो उसकी तरकीब यह है कि दूसरा कि इंसान को रोजाना सुबह को उठने के बाद में एक मरतबा पेट साफ होना जरूरी है। अगर किसी इंसान का पेट साफ नहीं रहता तो इसकी गंदे जो मादा है जो कि बदन से खारिज होना चाहिए वो खारिज नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से वो बीमारी में मुबतला हो जाता है। उसके बाद ये गिज़ा और पानी और दवाएं जो इंसान ने खाई हैं वो जिगर के अंदर पहुंचती हैं, फिर जिगर के अंदर इनका हजम शुरू होता है। तो गिज़ा जो है जो हमने ली और जो दवाएं ली खून बनाने की ताकत की या दूसरी एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल, वो वहां पहुंचने के बाद में उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है और गिजा जिसको हजम कब्दी कहते हैं यूनानी में, वहां पर फिर वो इन सारी गिजाओं का अच्छा खून बनता है। ये अच्छा खून खून की नालियों में जज्ब होकर ये पूरे बदन के अंदर फैल जाता है, तमाम आजा और जो सेल्स हैं और टिश्यूज हैं, फिर उस टिश्यूज के अंदर जाके इस खून का मेटाबॉलिज्म होता है। उस मेटाबॉलिज्म की वजह से हर बदन का हर एक हिस्सा, जैसे दिमाग है तो दिमाग अपने उस गुज़ा से अपनी जरूरत का सामान ले लेता है, गुर्दे में गए तो गुर्दा अपनी गुज़ा के जरूरत के अतबार से उसमें से अपनी गुज़ाइयत ले लेता है, जोड़ों में गए तो जोड़ अपनी मिजाज के अतबार से उसके अंदर से अपनी इफादियत वाला चीज ले लेते हैं। तो इसी तरह से उसमें से जो चीज जुजे बदन बनने के काबिल होती है, इंसान के बदन के लिए जरूरत होती है, वो तो हजम होकर जुजे बदन बन जाती है और उसके बाद उसके अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट और जिसको फासिद चीजें कहते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और दूसरे बहुत सारी चीजें हैं जैसे सफरा है, सोडा है, ये चीजें बनती हैं उसमें। तो वो जो है फिर वो तबीयत जो है उसको बदन से खारिज कर देती है। मिसाल के तौर पर जब खून के अंदर बदन के अंदर पानी अपना जरूरत के एतबार से ले लेता, लेकिन जो पानी जायद होता है वो तबीयत उसको पेशाब के जरिए से बदन से खारिज कर देती है ना, और जो और पसीने के जरिए से खारिज कर देती है और बलगम के जरिए से खारिज कर देती है और सफरा के जरिए से खारिज कर देती है। लेकिन वो मादे जो गिजा की खराबी की वजह से तभी है तो जोड़ों की बीमारियां हो जाती है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, और इसी तरह से गुर्दे के अंदर पथरी बन जाती है और पित्ते के अंदर पथरी बन जाती है और फेफड़ों के अंदर बलगम जमा होने की वजह से दमा और सांस और तकलीफ होने लगती है। इसी तरह से जो है जब जो आर्टरीज होती हैं यानी खून की नालियां होती हैं उनके अंदर फैट जमा होने की वजह से वो आर्टेरिया वो नाली सख्त हो जाती है जिसको एथेरियोस्क्लेरोसिस
और आर्टीरियो स्क्लेरोसिस कहते हैं और एथीरियो स्क्लेरोसिस कहते हैं, वो सख्त हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रहता है। तो अब ये इसको कहते हैं हजम उजवी सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, इसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो अब जब ये रहता है तो ये तबीयत उसको निकालती रहती है, लेकिन अगर तबीयत कमजोर हो जाती है, बदन की बॉडी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो ये चीजें बदन में जमा होकर बहुत सारी बीमारियों का सबब बनते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया कि रीनल स्टोन हो जाता है, गॉल स्टोन हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, और फैट जमा हो जाती है जिसको लाइपोमा कहते हैं। तो अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाए, हालांकि बदन के लिए जरूरी है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है, फैट ज्यादा हो जाए तो लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाता है जिसको फैटी लीवर भी कहते हैं, और लाइपोमा हो जाता है, और एथेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। इसी तरह से जो है ये सब चीजें अगर मकदार से ज्यादा हो जाए तो, अगर कुछ लोग काढ़ा बनाते हैं, अगर हल्दी दूध लेते हैं तो हाँ उसके अंदर दूसरी चीज है जो काढ़ा रात को एक काढ़ा देना चाहिए, उसके अंदर एक तो काली मिर्च है, दूसरा जो है लौंग है, और दालचीनी है। तो दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, अदरक, इन चार पांच चीजों का काढ़ा करके उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर और उसको जो है पीना चाहिए। इससे जो है ये शहद जो है ये इम्यूनिटी एनहेंसर है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और एंटीवायरल भी इसका इफेक्ट है ना, शहद एंटीसेप्टिक भी इसका है, अगर आंख में डल जाए दुखती हुई कंजक्टिवाइटिस है तो फायदा होता है। तो ये चीजें देने से एंटीसेप्टिक जो असर होने वाला और इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी देता। तो ये चारों पांच चीजों का रोजाना काढ़ा पिए, सुबह को नब सफी सभी रहने का खिसान डालें, सुबह शाम दोनों टाइप हल्दी और नमक करारा करें, और अच्छी गजा रहें, और बाहर ज्यादा ना निकलें, क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे तो बार बार एक्सपोजर होगा, बार बार एक्सपोजर होगा। तो अगर इस तरह से करेंगे तो ये कोरोना का इंशाल्लाह असर नहीं होगा। और कम से कम 5-7 दफा रोजाना जब भी घर में दाखिल हो बाहर से आने के बाद में वजू करना चाहिए। वजू में आंख भी धुलती है, नाक भी साफ होती है, 3 दफा नाक साफ होती है, 3 दफा गरारा करते हैं तो गला साफ होता है, पैर साफ होते हैं। तो ये कंप्लीट जो है हाइजीनिक कंडीशन हासिल करने के लिए हर एक आदमी को वजू करना चाहिए। वजू करेंगे तो उससे ज्यादा हाइजीनिक कंडीशन सिर्फ हाथ धोने से नहीं होगा, बल्कि हमें सारी चीजें हाथ धोने से तो हमारा कोरोना वो दूर होगा जो हाथ पे लगा हुआ, लेकिन जो नाक और हलक में चला गया तो वो कैसे दूगा। उसके लिए कम से कम 6-7 मरतबा हमें इन चीजों को, सारे आजा को, आंख भी, नाक भी, और हलक भी, और कान भी, और पैर, सब साफ करना चाहिए। जी जैसे कोविड के रिकवर होने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जो रिकवर हुआ पेशेंट उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। हाँ उसके लिए भी हमें इन 6 बातों पर हमें पाबंद होना पड़ेगा। नंबर एक तो साफ हवा में रहें। साफ हवा अगर हमारे पास बाहर नहीं है तो अपने घर के अंदर रहें, और जो है काफूर अपने घर के अंदर काफूर की धुनी देते रहें, काफूर की, ताकि हमारे घर का एटमोसफेयर साफ रहे, इन्वायरमेंट और हवा साफ रहे अपने घर में रहे। इसलिए कि हम पूरी हवा को तो बदल नहीं सकते, तो कम से कम इतना है कि अपने घर में रहें, नंबर एक। नंबर दो, खाने पीने का अच्छी इस्तेमाल करें, उसमें हरी सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें, प्रोटीन ज्यादा इस्तेमाल करें, फैट ज्यादा इस्तेमाल करें, और अच्छी गजा लें जो जल्दी हजम होने वाली है। नंबर दो, साफ पानी पिए, साफ पानी, पानी ज्यादा पिए ताकि बदन से जो है वो खराब मादे पेशाब के साथ निकलते रहे। तीसरा ये है, सही वक्त पे सोएं रात को, और सुबह को सही वक्त उठें, 6-7 घंटे सोना काफी है। जो लोग हर वक्त सोते रहते हैं वो बीमारी में मुबतला होते हैं, तो कोरोना के बाद 6-7 घंटे सोना काफी है, बाकी सही सुबह को सही वक्त रखें, सही वक्त पर उठें, अपने घर काम में वो मशरूफ रहें, इबादत में ये जो भी उसका उनका काम है उसमें वो मशगूल रहें। इसी तरह से जहनी सुकून जरूरी है, टेंशन ना लें, जिसको आप मॉडर्न मेडिसिन वाले भी कहते हैं स्ट्रेस ना लें। हमारे यहाँ इसका मैंने बताया कि हवा, नंबर दो गिजा और पानी, नंबर तीन पेशाब और पखाना रेगुलर होना, जिसको कहते हैं इस्तफराग, इस तरह इस्तफराग व एहतबास,
और चौथा है सुकून व हरकत नफसान यानी दिमाग का अंदर सुकून, सोना उसमें शामिल है। वो सुकून है, ज्यादा टेंशन है, मौत तो सबको आनी है, कोरोना से डरना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोरोना होता तब भी अस्पताल हमारे भरे रहते हैं, इमरजेंसी भरी रहती है, रोजाना कितनी डेथ होती है, तो मौत तो सबको आनी है। ये कोरोना भी खत्म हो जाएगा तब भी मौत आएंगी, तो मौत से नहीं डरना चाहिए। इसलिए आदमी को बिल्कुल बेफिक्र होकर रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई परेशानी नहीं, ना डरो ना किसी को डराओ, मौत का वक्त तय है। तो ये इससे हमारे दिल के दिमाग के अंदर सुकून पैदा होगा, दिल के अंदर सुकून पैदा होगा, तो सुकून हासिल करने वाली बात करनी चाहिए दिमागी। पांचवी है हरकत वो सुकून बदनी, यानी बदन काम भी करे और उसको बराबर हमें आराम भी मिलना चाहिए, ना ज्यादा इतना आराम करें कि बदन बीमार हो जाए, ना इतना काम करें कि बदन बीमार हो जाए। और जो छठी चीज है वो छठी चीज है नौम व यक्ज़ा, यानी नींद और बेदारी, कि नींद के वक्त जितना नींद है उतना सोएं और उससे ज्यादा ना सोएं, जितना जागना उतना जागे, रात को यूट्यूब पे ना लग रहे हैं, रात को मोबाइल पे ना लग रहे हैं, रात को टीवी पे ना लग रहे हैं, जो बीमारी पैदा करने का जरिया है। तो आज ये यूट्यूब, ये मोबाइल, ये टीवी, ये बीमारी पैदा करने का बच्चों में भी औरतों में भी जरिया है। तो इन छह चीजों का जो आदमी इंसान ख्याल करके अपनी जिंदगी गुजारेगा वो तमाम बीमारी से बचा रहेगा, उससे सेहत मिलेगी उसको। तो ये यूनानी की कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए जो कोरोना होने से जिसको नहीं हुआ हो या जिसको हो गया हो सबको, मतलब किस किस को क्या दवाई लेनी चाहिए? अच्छा हाँ, जो आदमी जो है बीमारी से बचना चाहता है, आम कुछ दवाएं ऐसी जैसे जवारिश आमला, जवारिश आमला उसके अंदर आमला है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है, तो जवारिश आमला। या इसके अलावा खमीरा मरवरीद आता है, खमीरा गावजबा आता है, या कैप्सूल इमिटोन आते हैं, है ना, ये इस तरह से हमें चीज। वैसे तो इंसान को दवाएं नहीं ज्यादा लेना चाहिए, अच्छी गिजा और वजी छह चीजें मैंने बताई, छह चीजें, इन छह चीजों पर अमल करेगा तो किसी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर छह चीजों के लेने के बावजूद भी अगर दवा जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए दवाएं हैं, या जैसे कुश्ता फौलाद और कुश्ता खफसुल हदीद, जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम है वो तीन गोली सुबह और शाम कुश्ता फौलाद की और तीन गोली कुश्ता खफसुल हदीद की, ये दवा लेंगे तो उनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता। हमारे पास कितने पेशेंट है जिनका हीमोग्लोबिन 2 और 3 था और उनको दूसरे अस्पतालों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडवाइस किया, लेकिन जब हमने ये दवाएं शुरू करी इनको जिगर की और कुछ ये जो खून पैदा करने वाली, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 20-20 सालों के मरीज सब ठीक है विदाउट एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और जिनके लिए लीवर खराब हो गया था विदाउट एनी लीवर ट्रांसप्लांटेशन, आज कई कई साल से पेशेंट ठीक है यूनानी ट्रीटमेंट के साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिजी वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं इंशाल्लाह हमें कभी भी जरूरत, चूंकि हमारा जज्बा ये है, अब हम भी यहाँ से जामिया हमदर से प्रोफेसर की पोस्ट से रिटायर हुए, लेकिन अब दुनिया में रहने के दिन कम हैं और अब जाने का वक्त आ गया है, इसलिए जो कुछ हमने 40 साल में इल्म हासिल किया और तजर्बा किया, हम ये चाहते कि हम जैसे अगर कहीं कुछ सीखना चाहता है तो हम इंशाल्लाह अपने जो कुछ भी जानते हैं, नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, वो हम पूरे तमाम इंसानों के लिए शेयर करना चाहते हैं ताकि तमाम इंसानों को इसका फायदा पहुंचे विदाउट एनी इंटरेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी, जिन्होंने यूनानी दवाइयों के बहुत सारे नाम बताए। आप अगर कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं या हो गए हैं इस टाइम, तो आपको कौन कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए, उन्होंने तमाम प्रकार के सवालों के जवाब दिए जो आपके पूरी वीडियो में देखे होंगे। चलिए चलते हैं, नमस्कार।